हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मिल्लती क्लासेस। कैसे हैं भैया सभी? अच्छा, सभी आ गए थे। प्रेम रतन जी गुड मॉर्निंग, नमन जी, ब्यूटी जी, ओके ब्यूटी, क्लास होगी कि नहीं? क्लास होगी भाई। नमन मिश्रा दोस्तों, अच्छा, भैया कैसा है सभी? ओके रिहान जी गुड मॉर्निंग, ब्यूटी, क्लास शुरू हो चुकी है, सभी बच्चे आ जाएंगे। हाँ, थोड़ी लेट क्लास इसलिए शुरू हुई है बिकॉज थोड़ा सिस्टम थोड़ी प्रॉब्लम कर गया था, जिसकी वजह से मैं लेट आई हूँ आज क्लास में। गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग ब्यूटी। अच्छा भैया, तो चलिए भाई चीज़ें शुरू करी जाएँ। एक बार फिर से भाई मैं सेंड कर देती हूँ, क्लास शुरू हो चुकी है। जो भी बच्चे नहीं आए, थोड़े से ऐसे जो आके चले गए थे तो आए जाएंगे, एक बार ट्राई कर लेंगे। वैसे तो क्लास शुरू हो चुकी है, ठीक है। चलिए भैया चीज़ शुरू करते हैं जल्दी हम लोग, बाकी सभी बच्चे आ गए हैं। ओके भाई, आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो थोड़ा सा आए जाएंगे। चलिए फर्स्ट देखिए भाई, करंट अफेयर तो एमसीक्यूज पर बात करेंगे हम, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है, चर्चा करेंगे। तो चलिए भाई अब हम अपनी चर्चा करते हैं शुरू, ठीक है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? ओके भाई, किसी को कोई दिक्कत? हाँ, थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि नेटवर्क इशू हो गया था, वो थोड़ा सा नेटवर्क भी नहीं कहूँगी, ये सिस्टम ने ही थोड़ा दिक्कत कर दिया था मुझे। अमन, हाँ अमन सौजी, रोज होती है, डेली होती है क्लास? चलिए भैया, डेली 8 बजे होती है, आज थोड़ा मैं लेट हो गई थी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर। फर्स्ट पहला क्वेश्चन है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक ने किस देश में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए $448 मिलियन को यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC का विस्तार किया है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है इम्पोर्टेंट, पहले तो इसे पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद आप लोग मुझे आंसर देंगे। 8 बजे होती है डेली, ठीक है क्लास। उज्बेकिस्तान भी, उज्बेकिस्तान ने किया है, मालदीप ने किया है, निकारागुआ ने किया है, एंटीगुआ और बरमूडा इन्होंने किया है, या फिर मोजाम्बिक ने किया है? चलिए तो आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ भाई, सही आंसर क्या होगा? सभी बच्चे क्लास में हैं, जल्दी से मुझे बता देंगे कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक ने किस देश में विभिन्न बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के लिए 448 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्राप्त की? ये है उज्बेकिस्तान। किसने की है? ये की है उज्बेकिस्तान ने। किसने की है मेरे बच्चा? ये की है उज्बेकिस्तान ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है उज्बेकिस्तान। चलिए भाई देखिए, उज्बेकिस्तान के बारे में थोड़ी सी चीजें हम यहाँ पर जान लेंगे। भाई किसने की है? उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान की भाई कैपिटल क्या है, कोई मुझे जल्दी से बताएगा? उज्बेकिस्तान की, हाँ बिल्कुल उज्बेकिस्तान है, रिहान जी बिल्कुल सही है, हाँ नमन बिल्कुल सही। कैपिटल क्या है उज्बेकिस्तान की, क्या है भाई कोई मुझे बताया? उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद, क्या? तारकंद, क्या है? तारकंद, तारकंद इसकी कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात है भैया आप लोगों के लिए यहाँ पर, करेंसी क्या है इसकी, क्या है मेरे बच्चा? सोम करेंसी है इसकी, ठीक है बिल्कुल। चलिए भैया आगे चलते हैं और एक, हाँ इसके भारत के साथ उज्बेकिस्तान की एक एक्सरसाइज चल रही है, कोई नाम बताएगा क्या नाम है? भारत के साथ उज्बेकिस्तान की एक एक्सरसाइज चल रही है, मैंने आपको बताया था, क्या नाम है उसको कोई मुझे बताएगा? कुछ लीक करके है, प्राइस लीक, ग्रस लीक, पता नहीं क्या। चलिए हाँ नेक्स्ट, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेंगे, सारे ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, जितने भी ऑप्शन है टोटल ऑप्शन पर हम चर्चा करेंगे। हमने उज्बेकिस्तान को हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं मालदीप, निकारागुआ, एंटीगुआ, बरमूडा और मोजाम्बिक, इनके बारे में सबसे पहले मैं बात करूँ तो देखिए, भारत ने कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए मालदीप को बजटीय सहायता के रूप में 250 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता की। देखिए, दो तरीके से हमारे पास जो राशि आती है, किसी भी संस्था से आए, किसी भी
कैस्टर से आए, कहीं से भी राशि आए, है ना, तो दो तरीके से आती है। एक होती है जो ऋण के तरीके से आती है, किसमें आती है, ऋण में, जिसको क्या बोलते हैं हम भैया, बोलते क्या है भैया कि हमें जो है ऋण लिया है और जो हमें वापस करना होता है ना। और एक कैसे आती है, एक आती है हमें ट्रैक में सीधे, तो वो कैसी होती है, उसको हमें वापस नहीं करना होता। वो क्या होती है, वो होता है एक जैसे दान करेगी राशि होती है, उसको हमें वापस नहीं देना होगा। लेकिन जो ऋण दिया जाता है किसी भी एरियाज को उठाने के लिए, किसी भी एरियाज में सुविधाएं प्रदान करवाने के लिए, तो वो होता है ऋण। अब देखिए यहाँ पर जो मालदीव को मिली है बजट या सहायता में इतने मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता मिली है आर्थिक रूप से, तो ये जो मिली कॉबेडो के तरीके से, इसको ये जो राशि मिली है, ठीक है, ये कैसे मिली है, ये इसको किसमें मिली है मेरे बच्चा, ये इसको ऋण में मिली है। अभी आगे और बताती हूँ, सुनिए। भारत ने मछली पकड़ने की सुविधा के विस्तार के लिए मालदीव को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, ठीक है। तो देखिए ये वाली जो राशि मिली है इसको, ये इसमें इतना याद रखना क्योंकि प्रश्न यहाँ से दिल्ली पुलिस में भी बन चुका है और आगे भी बनेगा कि भैया इंडिया ने मछली पकड़ने के लिए, आपको पता है मालदीव के लिए क्या करा है, मछली पकड़ने के लिए मालदीव को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। एक और बात, मालदीव को क्या करा है इन्होंने, यहाँ पर 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नगद अनुदान के तहत यहाँ पर आउटडोर फाइनेंस उपकरण सौंप दिया है। अब देखिए ये जो है अनुदान जो दिया गया, ये जो है ये इसको वापस नहीं दे, जो 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नगद अनुदान के साथ जो इसको यहाँ पर आउटडोर फाइनेंस उपकरण जो सौंपा है, अब ये वापस नहीं जाएगा, जबकि ये जो राशि ली थी यहाँ पर कोविड को देखते ये भी हमें वापस करनी है, ठीक है, ये भी हमें वापस करनी है, ठीक है, मालदीव की सहायता के लिए जो भारत ने दी थी। अब दूसरी एक यहाँ पे जो भारत ने दी है ये भी वापस करनी है, लेकिन ये वाली जो राशि दान में है ये हमें वापस नहीं करनी है, ये चीज़ मैं बताना चाह रही थी, समझ आया। कोविड-19 के लिए बजटीय सहायता के लिए 250 मिलियन डॉलर मिले हैं, ठीक है, मछली पकड़ने के लिए उसकी सुविधाओं में विस्तार करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है, कितनी, 18 मिलियन की, ठीक है, अमेरिकी डॉलर में, और उसके बाद में 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया गया है अनुदान जो हमें वापस नहीं करना है। अब मुझे बताएंगे चीज़ें समझ आई हैं कि नहीं आई हैं, अतुल जी, हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग, चीज़ें समझ आई, इधर मेरा फोटो आ रहा है इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए आगे, भारत ने मालदीव के कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की है। अब देखिए जो कनेक्टिविटी पहले मछली पकड़ने के लिए भी दे दी, कोविड के लिए भी दे दी और उसको दान में भी दे दिया है ना, अब तीसरा इसमें आगे क्या दे रहा है, वो कनेक्टिविटी परियोजना के लिए कितनी दे रहा है भैया, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर दे रहा, ठीक है। अब वित्तीय पैकेज में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान है और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल है। अब देखिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर उसने क्या करे हैं, वो दान में दिए हैं, लेकिन 400 अमेरिकी डॉलर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए सुनिए, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर मालदीव को, भारत ने मालदीव को कनेक्टिविटी परियोजना के लिए दिए हैं, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए, जिनमें 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर उसने दान में दिए हैं, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर उसने किसमें दिए, ऋण में या लाइन ऑफ क्रेडिट में दिए हैं। अब ये बताएंगे ये वाली बात मुझे समझ में आई है कि नहीं आई है, क्योंकि आपको ये पता रहता है कि यार उस गवर्नमेंट ने या फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने या फिर उस कंट्री ने हमें पैसा दिया है, हमें इतनी राशि दी है, तो वापस हमें कौन सी राशि करनी है, कौन सी नहीं करनी है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि मालदीव में भारत 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर के क्रेडिट LOC के तहत, लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत, एक 100 पैड वाले कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटों वाले क्रेडिट स्टेडियम का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये भी कैसे करेगा, ये भी भारत करेगा। आप देख लेंगे भारत ने कितने अमेरिकी डॉलर मालदीव को दिए हैं और दान में भी दिए हैं और ऋण में भी दिए हैं, ठीक है। आगे चलें, चलिए भाई नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा और। तो देखिए भारत ने कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए एंटीगुआ और बरमुडा, आपको पता है एंटीगुआ और बरमुडा ट्राइंगल पड़ता है जब हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप से थोड़ा सा निकल के और अमेरिका महाद्वीप, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उन दोनों के बीच में बरमुडा ट्राइंगल पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे छोटे से ये द्वीप हैं एंटीगुआ बरमुडा, इसको बरमुडा ट्राइंगल इसलिए बोला जाता है बिकॉज वो जो ट्राइंगल है छोटे छोटे द्वीपों का, ये वही है, इसमें 3-4 द्वीप ऐसे शामिल हैं जो त्रिकोण वाले हैं, ठीक है। अब एंटीगुआ और बरमुडा ट्राइंगल को, इसको 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया है, किसने दिया है, भारत ने कोविड से निपटने के लिए, ठीक है। अभी मालदीव को कितनी राशि दी है भारत ने, ध्यान में रखना है, और फिर उसके बाद में बरमुडा को कितनी दी है, ध्यान में रखना है। एक है निकारागुआ, अब देखिए एंटीगुआ बरमुडा
और निकारागुआ, ये सभी मध्य अमेरिका के क्षेत्र में आते हैं। कहाँ आते हैं ये सभी एरियाज? मध्य अमेरिका के द्वीप हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पर जो कि निकारागुआ में एक्सिम बैंक अस्पताल की इमारत के पुनर्निर्माण के लिए यहाँ पर 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग कितना है भाई, 153.27 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आगे है भाई यहाँ पर, मोजाम्बिक को एक्सिस बैंक ने बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग कितना भाई, 1,870 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। अब किसको दिया, ये मोजाम्बिक को दिया। पता चला बर्मुडा और ट्रायंगल को, फॉर्मुडा को कितना दिया है, निकारागुआ को कितना दिया है और मालदीप को कितना दिया है, मोजाम्बिक को कितना दिया है भारत ने अपनी तरफ से। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सारे के सारे स्टेट वहाँ पर क्लियर हो गए। अगर मैं आपको अलग अलग बताती, आई होप आप क्लियर नहीं कर पाते, वहाँ पर थोड़ी सी इशू हो ही जाता। चलिए आगे है, किस बैंक ने 3-in-1 खाता, यानी कि 3-in-1 खाता या 3-in-1 खाता शुरू किया है, जिसमें बचत, ट्रेडिंग और डीमैट शामिल होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या है, किसने इसको शुरू किया है। मेरे भाई बताएंगे यहाँ पर किसने किया है भाई, ESFB ने किया है या फिनो पेमेंट्स बैंक ने किया है या फिर IPVB बैंक ने किया है, जन लघु वित्त बैंक ने, ICICI बैंक ने। करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बता देंगे। हाँ, किसने किया है? चलिए देखिए सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। बिल्कुल आंसर नहीं आ रहा, बहुत कम बच्चों का आंसर आ रहा भाई, क्या बात, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। कुछ भी आंसर आए बट आना चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आंसर मतलब आना चाहिए, तब उसमें लगता है कि हाँ आपका ध्यान इधर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो है भाई, यहाँ पर जो आपकी ESFB बैंक है, ठीक है, ESB बैंक ने इसने जो है 3-in-1 खाता शुरू किया है, जिससे बचत, ट्रेडिंग और डीमैट शामिल होगा। तो इसमें क्या है, इसको और स्क्वायर में करा जाएगा। अच्छा भाई, ये जो फिनो पेमेंट बैंक है, और यहाँ पर एक और है IPPB बैंक, और एक है जन लघु वित्त बैंक, और एक है ICICI बैंक, इनको हम ऐसे छोड़ दें? नहीं, शायद ICICI आ रहा, नहीं ICICI नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया आंसर आया ध्यान जी आपका, बाकी किसी का नहीं आया, गलत बात है। चलिए, नहीं आने वालों की गलत बात है, जिसका चाहे कुछ भी आ रहा उसकी अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया मेरे बच्चा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले बात करेंगे फिनो पेमेंट्स बैंक की। फिनो पेमेंट्स बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोई मुझे बताएगा? फिनो पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एक और है जियो पेमेंट बैंक, उसका भी वहीं पर है, चलो मैं बता देती हूँ। और एक और है NSAL और जियो पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक, इनका हेडक्वार्टर वहीं पर है जहाँ तक है मुझे लग रहा है। हाँ भाई जल्दी से मुझे बता देंगे क्या है। कहाँ पर है, चलिए मैं बता देती हूँ, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। इनका आगे बात करते हैं, IPB क्या, IPB, तो भैया IPPB बैंक का कहाँ पर है हेडक्वार्टर, कोई मुझे बताएगा जल्दी से कहाँ पर है IPB बैंक का? हाँ, कहाँ पर है IPB बैंक का हेडक्वार्टर? मुंबई, ठीक है, इसका भी मुंबई। नेक्स्ट है जन लघु वित्त बैंक, यानी कि मैं बात करूँ जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, एक तो है जन लघु वित्त बैंक ये, और एक और आता है फिनकेयर स्मॉल बैंक है नहीं, तो एक है फिनकेयर स्मॉल बैंक, इसी के साथ में एक और है जिसका नाम है, क्या नाम है, उज्जीवन फाइनेंस बैंक। तो इन बैंकों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इन बैंकों का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। कहाँ पर है मेरे बच्चा? बेंगलोर में। हाँ नमन, बिल्कुल बढ़िया, बेंगलोर में। एक है ICICI बैंक का तो आपको हेडक्वार्टर पता ही है, जल्दी बता देंगे कहाँ पर है ICICI बैंक का हेडक्वार्टर, जल्दी से, कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, बिल्कुल, मुंबई महाराष्ट्र, बेंगलुरु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए भैया, ऐश्वर्या राय राजपूत, क्या बात है ऐश्वर्या, सब परिवार में बढ़िया हैं। चलिए नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, देख लेते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने तीन मुख्य महाप्रबंधकों को एक क्या है सीजीएम को 11 दिसंबर से कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी के रूप में पदोन्नत किया है। उनका नाम क्या है, इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा आरबीआई के कितने 5 गवर्नर बनते हैं। कैसे गवर्नर बनते हैं आरबीआई के, 5 गवर्नर बनते हैं। एक तो बनते हैं जो गवर्नर होते हैं, 4 होते हैं जो उप गवर्नर बनते हैं, है ना। तो आप मुझे बताएंगे उप गवर्नर की बात करी है जो अभी आए हैं भैया कौन है, आर सुब्रमण्यम बने हैं, रोहित जैन बने हैं, आर एस राठौर बने हैं या एम राजेश्वर राव बने हैं या फिर ये सभी बने हैं। उसने बात करी है उप गवर्नर की। चले भैया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राकेश कुमार जी नमस्ते। हाँ तो भाई जल्दी मुझे बता देंगे सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल वेरी गुड, हाँ चलिए भाई टोटल, हाँ टोटल सही आंसर क्या होगा, वेरी गुड वेरी गुड। नमन करेक्ट आंसर दिए हैं, ऐश्वर्या ओके, हाँ रिहान जी ओके, सबावाज क्या बात है, ब्यूटी अरे वाह क्या बात है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 5। ठीक है चलिए थोड़ा सा मैं इसे समझा देती हूँ। देखिए करेक्ट ये होगा क्या, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें हम जान लेंगे। सबसे पहले ये कौन है भाई, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है भैया, सुब्रमण्यम। तो ये कौन है, डिप्टी गवर्नर है। ठीक है अभी डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई तो ये है आपके आरबीआई के आर सुब्रमण्यम। अच्छे भैया आगे बात करते हैं, शक्तिकांत कौन है, शक्तिकांत दास कौन है, तो वो है गवर्नर आपके आरबीआई के। ठीक है कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। अच्छा चलिए अच्छी बात है। आगे मैंने बात करी थी आर सुब्रमण्यम की, रोहित जैन की और आर एस, यहाँ पर आर एस राठौर की। ठीक है ये कौन है भैया, ये हैं आपके यहाँ पर जो डिप्टी गवर्नर रहते हैं इनके। ठीक है चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। चलिए भाई इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए जो इसके उप गवर्नर रहते हैं, ठीक है कौन कौन से रहते हैं इसके उप गवर्नर, इनको मैं बता देती हूँ कौन कौन है। एक तो है विपु प्रसाद, कौन है विपु प्रसाद, कानून को नाम ध्यान से सुन लेंगे, आई होप एक आध इधर उधर हो जाए तो बता देंगे, वैसे होने वाला नहीं है। हाँ दो क्वेश्चन हो गए, हाँ भाई ब्यूटी दो क्वेश्चन हो गए, क्या बात है लेट आ रही हैं आप। तो चलिए भाई एक नाम क्या है इनका, देखिए मैं बता देती हूँ, एक है इन पर विपु प्रसाद कानून को फर्स्ट, और सेकंड क्या नाम है, सेकंड नाम है उनका महेश कुमार जैन माइकल। और थर्ड कौन है यहाँ पर, देव पात्रा भी लगाते हैं सर, माइकल देव पात्रा थर्ड है, एक आध नाम इधर उधर हो सकता है लेकिन कोई नहीं चेक कर लेंगे अच्छे से। और फोर्थ है राजेश्वर राव, कौन है राजेश्वर राव, ये वाले। ठीक है चलिए भैया अब आगे चलते हैं। तो ये पदोन्नत वाले हैं, ये डेप्यूटी वाले हैं। ठीक है ये पदोन्नत वाले हैं अभी और ये डेप्यूटी वाले हैं। ठीक है ध्यान में रहेगा ना दोनों को। चलिए भैया नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस राज्य सरकार ने यहाँ पर 249,151 भेड़ और बकरियों को वितरित यानी कि उनको बांटने के लिए वितरित करने के लिए जगन्ना जीवन सेवा योजना शुरू की है, जो कि चौथा और आसरा योजना के लाभार्थियों को दी जाएगी। अच्छा भैया इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो देखिए ये जो जगन्ना योजना है, ये जगन्ना योजना किन लोगों पर चलेगी, ये उन लोगों पर चलेगी जो चौथा योजना और आसरा योजना में शामिल थे, है ना, उन लाभार्थियों को जो उनसे लाभ ले रहे थे। अब ये जगन्ना जीवन योजना क्या होगी, ये मैं बात करूँ, जगन्ना योजना है ये क्या होगी, इस योजना में आपको मैं बता दूँ 249,151 भेड़ बकरियाँ हैं जो वितरित की जाएंगी। अब ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल भी कोई भी व्यवसाय नहीं है, वो बिल्कुल कोविड के क्या वो बिल्कुल उनका व्यवसाय ठप है, तो यहाँ पर इस योजना के तहत उनको ये भेड़ बकरियाँ वितरित की जाएंगी जिससे वो उनके मतलब कि अपना फॉर्म उनसे बढ़ा सकें। ठीक है हाँ तो भाई किसने शुरू की है, आंध्र प्रदेश ने ये योजना या ओडिशा ने, असम, गुजरात, महाराष्ट्र। अब एक चीज़ समझ लेंगे, जगन्ना योजना भी उसी राज्य की है, चेता भी और आसरा योजना भी, तीनों योजना उसी राज्य की हैं। अगर एक भी पता होगा तो आप बहुत अच्छे से आंसर देंगे, सवा क्या बात है, अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड राकेश, करेक्ट आंसर है नमन, वाह बहुत बढ़िया, सवाबाज ब्यूटी रिहान। बाकी का आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई, सवा बहुत बढ़िया, सवा ने कहा कि अगर ऐसे नहीं सुनती हैं मैम तो मैं पूरा लिख करके बता देती हूँ, क्या बात है। देखिए सही आंसर है आंध्र प्रदेश, क्या है करेक्ट आंसर है इसका, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड क्या बात है, हाँ बिल्कुल चलिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन 8। अब देखिए कुछ योजनाएँ हैं यहाँ, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड,
अब मैंने आपको बताया था स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम किस राज्य ने चलाई है, तमिलनाडु ने चलाई है। किसने चलाई है? तमिलनाडु ने चलाई है। अच्छा भाई, यहाँ पर एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक यहाँ पर जो एस सी स्कॉलरशिप है, तो ये स्कीम किसने चलाई है? ये चलाई है किसने? ये डॉक्टर अम्बेडकर पोस्ट मैट्रिक एस सी स्कॉलरशिप स्कीम ये चलाई है, पंजाब ने चलाई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे इसका एक मिनट। वैसे तो खैर इधर एक मैं इधर आती तब भी सही रहता, कोई बात नहीं, आप इसको ना उसमें पीडीएफ में पढ़ लेंगे क्योंकि मैंने दो चार योजनाएं नीचे ढक ली हैं, फिर भी मैं पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है, एक है भैया ये सारी की, वैसे ये सारी की सारी योजनाएं आप पढ़ लेंगे, है ना, पढ़ लेंगे ना, आगे चलें या फिर पढ़ना पड़ेगा? हाँ, पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा, अब एक काम करिएगा इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं अलग अलग सभी राज्यों की। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव भी क्या कहता है इसको देख लेते हैं जरा थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में 132 करोड़ रुपए की लागत से बने कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया है? ये इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौन सा शहर है ऐसा जहाँ पर 132 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया था इसमें और कैलाश मानसरोवर भवन बनाया गया था? अब आप मुझे बताएंगे भैया क्या वाराणसी में है, ये गाजियाबाद में है, महाराजगंज में है, बाराबंकी में, या फिर रामपुर में है? जल्दी आंसर देंगे, कहाँ पर है ये, कहाँ पर है भैया? अच्छा मुझे ये बता देंगे, अभी आपको पता है कि यूपी का पहला गिद्धा पार्क ओपन हुआ है, अभी यूपी का पहला गिद्धा पार्क बना है, कहाँ बना है कोई मुझे बताएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नमन मिश्र ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, सवानाज वेरी गुड। तो मैंने एक प्रश्न पूछा है, यूपी का पहला गिद्धा संरक्षण केंद्र कहाँ बना है? हाँ चलिए भाई देखिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो ये सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी गाजियाबाद, सही आंसर क्या होगा? गाजियाबाद। अभी हाल फिलहाल में ही गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है यहाँ पर कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है, हाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है चलिए भाई नेक्स्ट आगे के देख लेते, और चार ऑप्शन थे हमारे सामने। ठीक है भाई, गाजियाबाद हो गया, वाराणसी में क्या है, बाराबंकी में क्या है, महराजगंज में क्या है, रामपुर में क्या है, सारी चीज़ें हम देख लेते हैं चार के चार। चलिए गाजियाबाद में तो हमें पता चल गया, अब देख लें वाराणसी, वाराणसी में देख ली क्या है, तो यहाँ पर क्या है भाई, केवाईसी शुरू की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये अब ये कहाँ पर शुरू की गई है केवाईसी, ये कहाँ पर है भैया? वाराणसी में शुरू की गई है। ठीक है बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट एक है भाई महराजगंज, महराजगंज में क्या क्या गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो फर्स्ट मैं बात करूं, जो वॉलंटियर बनाया गया था, ठीक है, कंजर्वेशन, तो फर्स्ट वॉलंटियर कंजर्वेशन जो है सेंटर, ठीक है, ये कहाँ पर है भैया? ये भी कहाँ बनाया गया आपका? उत्तर प्रदेश के महराजगंज में बनाया गया। ठीक है चलिए भाई, जिसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, जटायु कंजर्वेशन, ठीक है, जिसको मैं बात करूँ यानी कि पहला गिद्धा पार्क कहाँ पर है? ये महराजगंज में बनाया गया है। ठीक है, यूपी का पहला गिद्धा संरक्षण केंद्र बोलेंगे ना, हाँ बिल्कुल, ये बनाया गया है आपका महराजगंज में। अच्छा एक और है बाराबंकी, तो भाई बाराबंकी में क्या बनाया गया है? बाराबंकी में तो मैं बताऊँ, ऑर्गेनाइज फूड जो प्रोसेसिंग से यूनिट है वो शुरू की गई है, ऑर्गेनाइज फूड जो प्रोसेसिंग यूनिट है ये यहाँ पर बाराबंकी में शुरू की गई है, क्लियर है। आगे भाई रामपुर की बात करें, रामपुर में क्या किया गया उत्तर प्रदेश के, तो रामपुर में मैं बात करूँ आपको यहाँ पर जो सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक, ठीक है, सहदेव, ठीक है, यहाँ पर मदम, तो इसको शुरू किया गया है कहाँ पर? रामपुर में। अब देखो आपके लिए यहाँ पर पांच ऑप्शन क्लियर है ना एकदम, हाँ बिल्कुल। चले भाई मनजीत सिंह जी, गुड मॉर्निंग, बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं मनजीत, ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोगों के लिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर छः क्या है भाई देख लेते हैं इसको, हाँ चलिए भैया ये है कि किसके साथ अंकिता रैना ने दुबई में कितने भैया यहाँ पर $100,000 आई यहाँ पर ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में महिला युगल खिताब जीता है? इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हरमनप्रीत कौर ने जीता है, सोफिया केनिन ने जीता है, ईगा स्वेटेक ने जीता है, नाओमी ओसाका ने जीता है, या एकाटेरिन
गार्गोटेज ने जीता है। अब ये किसने जीता है मुझे आप बता देंगे? हाँ भाई, किसने जीता है जल्दी से मुझे आंसर देंगे, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। आंसर करते रहिए चाहे सही हो चाहे गलत हो, बट आंसर करते रहना चाहिए आप लोगों ने। चलिए, किसने जीता है? अच्छा, आप हरिओम है, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ चलिए, सही आंसर होगा यहाँ पर देखिए, जो एकाटेरिन गार्गोइज है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर एकाटेरिन गार्गोइज, इन्होंने ये युगल खिताब जीता है टूर्नामेंट फाइनल का, ठीक है। अच्छा भाई, हरमनप्रीत कौर की बात करें, सोफिया कैनिन की बात करें, ईगा स्वीटेक की बात करें, नाओमी ओसाका की बात करें, तो इन्होंने भी कोई खिताब जीता है? मैं कहूँगी हाँ बिल्कुल, इन्होंने भी खिताब जीता है। इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम जान लेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर, चले भैया सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी ही। ये एक क्वेश्चन आएगा, एकाटेरिन किस कहाँ से हैं, एकाटेरिन किस राष्ट्र से हैं? बिल्कुल नमन का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल वेरी गुड, बाकी बच्चों ने भी आंसर किया है, बहुत अच्छा। तो अब आप मुझे पहले तो यही बता देंगे कि भैया जो यहाँ पर एकाटेरिन है ये किस राष्ट्र से हैं, ये कहाँ से भैया एकाटेरिन? तो ये कहाँ के हैं? जॉर्जिया के रहने वाले। कहाँ के हैं? ये जॉर्जिया के हैं, ठीक है। अच्छा, जॉर्जिया के रहने वाले हैं, हाँ बिल्कुल। अच्छा, जॉर्जिया की कैपिटल क्या है कोई मुझे बताएगा? आगे बात तो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जॉर्जिया की कैपिटल क्या है, जॉर्जिया की कैपिटल क्या होगी भैया, बता देंगे मुझे थोड़ा सा? टिबलिस्ट क्या होगी? टिबलिस्ट यहाँ पर जॉर्जिया की कैपिटल होगी, मुझसे लिखना इसमें माउस नहीं लग, टिबलिस्ट, ठीक है। अच्छा, करेंसी क्या होगी? तो लारी यहाँ की करेंसी होगी आपकी जॉर्जिया की, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए भाई आगे बात करते हैं कि इनकी कहाँ पर, सोफिया कैनिन की। चलिए भैया, सोफिया कैनिन की ये जो है आपका हरमनप्रीत कौर, इनकी बात कर लेते हैं। हरमनप्रीत कौर की मैं बात करूँ, हरमनप्रीत कौर, इनको क्या मिला है? WTF, देखिए आपने सुना होगा WTF स्पोर्ट का जो है इनको ब्रांड अम्बेसडर अपॉइंट किया गया। किसका? WTF का, WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड अम्बेसडर इनको अपॉइंट किया गया, हरमनप्रीत कौर को। सोफिया कैनिन की बात करें, सोफिया कैनिन, तो भाई सोफिया कैनिन जो है ऑस्ट्रेलिया का ओपन खिताब किसने जीता है? वुमेन वाला सोफिया कैनिन ने जीता ऑस्ट्रेलिया का वुमेन जो ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है, ठीक है, वुमेन। तो यहाँ पर ये जो है तो ये किसने जीता है? सोफिया कैनिन ने जीता है, ठीक है। अच्छा भैया, ऑस्ट्रेलिया का ओपन खिताब वुमेन वाला कैनिन ने। अच्छा, ईगा स्वीटेक ने क्या करा फिर? ईगा स्वीटेक क्या ऐसे ही थी बैठी थी? मैं कहूँगी ऐसे नहीं। फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन का ये भी वुमेन है, तो वुमेन वाला फ्रेंच ओपन वुमेन वाला किसने जीता है मेरे बच्चा? ईगा स्वीटेक ने। अच्छा, नाओमी ओसाका ऐसी है क्या? नहीं भाई, नाओमी ओसाका ने क्या जीता है? तो उन्होंने US ओपन का खिताब जीता है, ठीक है। सारे बिल्कुल सारे के सारे ऑप्शन क्लियर है ना? एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है मतलब जो चलिए यहाँ पर आप देख लेंगे, ठीक है। देखिए, सोफिया कैनिन ने कौन सा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है, ठीक है, महिला वाला, वुमेन वाला, वो भी 2020 का, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हुआ, आपको पता है ये 3 बार होता है, ठीक है। हाँ, एक साल में 4 बार होता है, तो मात्र इस बार 3 ही बार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, एक बार ये हुआ है, एक बार ये हुआ है, और एक बार ये हुआ, 3 बार हुआ है, 4 बार नहीं हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब, ठीक है, अभी वुमेन वाला किसने जीता है? सोफिया कैनिन। कहाँ से हैं भैया ये? अमेरिका से हैं, ठीक है। अच्छा, मैन वाला किसने जीता है? मैन जो 2020 का मैन सिंगल किसने जीता है? नोवाक, ठीक है। अच्छा, कहाँ से हैं ये? ये सर्बिया से हैं। अच्छा, मैं बात करूँ फ्रेंच ओपन किसने जीता है? फ्रेंच ओपन तो वुमेन में किसने जीता भैया? ईगा ने, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। कहाँ से हैं ये? पोलैंड से हैं ये। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ही मैन का किसने जीता है, मैन सिंगल वाला, तो किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। ये कहाँ से भैया? स्पेन से हैं, ठीक है। आगे मैं बात करूँ यहाँ पर भैया क्या है जो विंबलडन वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि US ओपन, तो US ओपन खिताब किसने जीता है, ठीक है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है ये, तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि ये भी, तो ये किसने जीता है जो US ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाने वाला खिताब, वुमेन वाला, वुमेन सिंगल, तो ये नाओमी ओसाका ने जीता है। और मैन की बात करूँ तो कहाँ पर किसने जीता है? डोमिनिक ने जीता है, जबकि नाओमी ओसाका कहाँ की हैं? जापान की हैं। और डोमिनिक कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के। अब ये बताएंगे सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं है। ये वाला जो मैंने ये चीज़ें दी हैं ये पूरे का पूरा आपका ओपन खिताब वाला कंप्लीट है कि कौन सा कहाँ पर खेला जा रहा है। ये क्लैरी कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है विद ग्रास कोर्ट के साथ, ठीक है। चलिए आगे चले चलिए बाकी PDF में आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लेंगे बस समझने के लिए, ज़रूरी है। नेक्स्ट
आगे भाई क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन है आप लोगों के लिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है, 12 दिसंबर को मनाया जाता है, या 14 दिसंबर को, या फिर 7 दिसंबर? कब मनाया जाता है आप मुझे जल्दी से बताएंगे। यस राकेश ब्यूटी जी, हाँ आंसर दीजिए सही। हाँ भाई सही आंसर क्या होगा? ओके तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है देखिए, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने सही आंसर दिया है। क्या नाम है भाई आपका? रिहान जी, वेरी गुड। सवानाज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके चलिए यहाँ थोड़ी सी देख लेते हैं, हम सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन फोर, ठीक है 14 नवंबर को। अच्छा कुछ दिवस देख लेते हैं अभी तक, मुझे लग रहा है कि मैं 14 नवंबर को ये मनाया गया, 12 नवंबर तक के कुछ दिवस मैंने आपसे कल रात वाली क्लास में भी, चौहान एकेडमी की क्लास थी उसमें मैंने दिवस को लेकर के बात करी थी। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है जल्दी से मुझे बता देंगे, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 11 दिसंबर आंसर है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नागालैंड की स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? BSF की स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एक और मनाया जाता है, क्या मनाया जाता? वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? क्लियर है। दूसरा 2 दिसंबर की बात करें, 2 दिसंबर की भाई 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 2 दिसंबर को एक तो विश्व कंप्यूटर साक्षर दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर क्या बोलते हैं उसको, लिटरेसाइट डे है ना। चलिए भैया और आगे 2 दिसंबर को एक दिवस और मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस। बताया था क्या? बताया था राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस। एक और बताया था 2 दिसंबर को एक और मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है भैया? अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। कितने बच्चे थे रात वाली क्लास में जिनको ये चीज़ पता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बैठी हूँ मैं बताऊँगी। तो राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर। 3 दिसंबर पर आते हैं, 3 दिसंबर, 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है मेरे बच्चा? सबसे पहले दिव्यांग दिवस। क्या मनाया जाता है? दिव्यांग दिवस। एक दिवस है मात्र ये दिव्यांग दिवस और यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये कब? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है 4 दिसंबर। चलिए भैया देख लेते हैं 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है मेरे बच्चा? कोई एक दिवस मनाया जाता नहीं, 2 दिवस मनाए जाते हैं। इंडिया नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। एक और है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक, तो ये अभी इसी साल 2020 से मनाना शुरू हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक, जो मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। ठीक है मैम हम नहीं थे, अच्छा ब्यूटी आप नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पर क्लियर कर लिया। आगे 5 दिसंबर को जल्दी से बताती हूँ, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर बताया था मैंने। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे 7 दिसंबर, तो 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस, और वैसे ये सारे के सारे जो दिसंबर के नवंबर के डेज वाली हैं तो इनका सबका मैं PDF आपको एक बार दे दूंगी, सारे के सारे दिवस वाला, तो आई होप आप वहाँ से पढ़ के अच्छे से याद कर सकते हैं, है ना। चलिए 7 दिसंबर को एक दिवस और मनाया जाता है, एक तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, एक और मनाया जाता है 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस, ठीक है फ्लैग। चलिए भैया 8 दिसंबर की बात और कर लेते हैं, 8 दिसंबर को 36वां सार्क चार्टर डे मनाया गया, और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, हाँ भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया गया। और उसके बाद में मेरे बच्चे 10 दिसंबर को एक क्या मनाया गया था, मैंने कुछ अपना वो भी लगाया था, क्या बोलते हैं स्टेटस, तो मैंने ह्यूमन राइट दिवस, ठीक है ह्यूमन राइट दिवस जो मनाया गया था ये 10 दिसंबर को मनाया गया था। और 11 दिसंबर की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इंटरनेशनल क्या मनाया गया था भाई? इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया गया था। और 12 दिसंबर में 2 दिवस मनाए गए थे, एक तो मनाया गया था यूनिवर्सल, क्या मनाया गया था? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ठीक है। एक और मनाया गया था, क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल डे ऑफ क्या मनाया गया था? न्यूट्रलिटी, ठीक है। चलिए भैया इतने सारे दिवस मनाए गए आपके अभी तक, क्लियर है? कुछ ज़्यादा बता दिए, याद नहीं रहे, कोई बात नहीं है, एक बार पूरे का पूरा फिर रात में पकड़ा देंगे तो याद रखिएगा। आ गए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि संयुक्त अरब अमीरात बहरीन सूडान के बाद इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला चौथा अरब देश कौन सा देश बन गया है? मुझे बताएंगे मैम। मोरक्को बना है, लेबनान बना है, ओमान बना है, कतर या फिर सोमालिया? चलिए भाई जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। हाँ क्या बना है? संयुक्त अरब अमीरात बहरीन सूडान के बाद इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला चौथा अरब देश कौन सा बना है? मोरक्को, लेबनान, ओमान, कतर, सोमालिया।
तो देखिए बच्चे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पर मोरक्को बना है, कौन बना है? मोरक्को। मोरक्को ऐसा देश बन गया है जो संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान के साथ, इसराइल के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सामान्य देश बना है, फोर्थ नंबर का, ठीक है। हाँ सबानाज बिल्कुल करेक्ट हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ राकेश कुमार बिल्कुल, और ब्यूटी, हाँ चलिए वेरी गुड, क्या बात है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल हाँ अमन जी, बिल्कुल अमन साहू करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके इसमें सबसे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। अच्छा मोरक्को की कैपिटल क्या है मुझे बता देंगे जरा, मोरक्को की कैपिटल क्या है, मोरक्को की कैपिटल क्या है? आर ओ बी ए टी। चलिए मोरक्को की कैपिटल है रोबोट, ठीक है। और यहाँ पर दिरहम इसकी करेंसी है, क्या है? दिरहम, ठीक है। ये लिखना नहीं जाएगा इससे, ये माउस है, इससे कल पेन मिल जाएगा तो जल्दी हम लिखना भी सीख जाएंगे, दिरहम। आगे है लेबनान, ठीक है लेबनान। अब ये लेबनान की कैपिटल क्या है, क्या है? बैरूत, क्या है? बैरूत। अच्छा करेंसी क्या है? पाउंड, ठीक है। आगे ओमान, ओमान की बात करें तो ओमान की कैपिटल क्या है भैया? मास्कट, क्या है? मास्कट, ठीक है। अच्छा और कैपिटल मास्कट है, करेंसी रियल है, ठीक है। आगे बात करें कतर, कतर की करेंसी क्या है? कतर की पहली बात तो कैपिटल क्या है? दोहा, क्या है? दोहा। करेंसी क्या है? रियल है यहाँ की भी, ठीक है। एक और है भैया सोमालिया, सोमालियों के डाकू बड़े प्रसिद्ध थे अफ्रीका में, तो भैया क्या है यहाँ पर? क्या है? मोगादिशु, क्या है? मोगादिशु। और करेंसी क्या है यहाँ पर? सीलिंग, क्या है? करेंसी सीलिंग, ठीक है। अच्छा एक और आता है, एक और आता है, ये अफ्रीका महाद्वीप के सारे, मोरक्को, लेबनान, ओमान, कतर, सोमालिया और सूडान, दक्षिण, हाँ सूडान की बात करें, दो आते हैं, एक आता है सूडान, एक होता है साउथ सूडान। अच्छा एक बात बताएंगे, अगर साउथ सूडान आएगा तो आप उसकी कैपिटल क्या बताओगे, साउथ सूडान की कैपिटल क्या बताओगे, क्या है अभी साउथ सूडान की कैपिटल? हाँ मुझे बता देंगे, बोडी, हाँ जल्दी मुझे बताएंगे, हाँ बिल्कुल। मैंने पूछा है दक्षिण सूडान आएगा तो, अगर देखिए साउथ सूडान आता है तो उसकी कैपिटल होगी जूबा, अगर साउथ सूडान पूछता है तो उसकी कैपिटल होगी जूबा, करेंसी होगी पाउंड, ठीक है। और आता है साउथ, ओनली सूडान, साउथ नहीं लगा हुआ है, सूडान लगा हुआ है, तो क्या होगी? खारतूम, क्या होगी? खारतूम उसकी कैपिटल होगी और पाउंड उसकी करेंसी होगी। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है और ये चीज़ें मैं डेली कंटिन्यू कराती भी रहूँगी ताकि आपकी चीज़ें सुधरती रहें, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट, आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पर वनाविल क्लेक्चर सेंटर तमिलनाडु द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को संबोधित किया है। 2020 यहाँ पर भारतीय पुस्तक किससे प्राप्त किया है, तो भारतीय पुरस्कार किससे प्राप्त किया है? सैनी विश्वनाथ से, या फिर एस हरीश से, या नरेंद्र बत्रा से, या फिर नसरुद्दीन शाह से, या फिर रिचि मेहता से, किससे क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी मुझे बता देंगे? हाँ जूबा, बिल्कुल नमन, हाँ अमन बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। छेड़े भैया जल्दी से मुझे बताएंगे सही आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आज अच्छे जितने बच्चे लाइव हैं अभी उतने बच्चों ने लाइक भी नहीं किया, क्या बात है भाई, लाइक वाइक कर दिया करो, मैं बाद में देखती हूँ, तो मतलब आज पूरा कल का टारगेट भी गिरा देंगे क्या, नीचे कर देंगे आप? लाइक भाई लाइक भी कर दिया करो, मतलब मुझे भी थोड़ा सा फ्यूल मिल जाए, मेरी क्लास कोई देखे तो ऐसा ना कहे कि मैम मतलब बच्चे तो आए थे पर लाइक नहीं करके गए, इतना गलत पढ़ाने लगी क्या मैं? चलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड। क्या होगा देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए एकदम सही आंसर होगा, सैनी विश्वनाथ, तो ये कौन थे? सैनी विश्वनाथ थे, ठीक है। हाँ मतलब दिख नहीं रहा ना अभी भी, वही लाइक हैं कम हैं, तो मैं सोच रही थी कि एक बार मैं आपसे बोल ही दूँ। चलिए भैया अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मस्ट इस उपन्यास के लिए इन्होंने यहाँ पर मलयालम के लेखक हरीश ने साहित्य के लिए यहाँ पर 2020 में, ठीक है, JCB पुरस्कार जीता, ये इंपॉर्टेंट है बस। अब ये लाइन इसमें थोड़ी मिल गई है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिस्ट से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पढ़ लेते हैं। नरेंद्र बत्रा को लेखक में उनके योगदान के लिए कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए, जो नरेंद्र बत्रा उनको भैया इनके फाउंडेशन नेशनल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया।
और आगे बात करें, एक और ऑप्शन था, देखिए सारे के सारे ऑप्शन क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर, एस हरीश को भी, नरेंद्र बत्रा, नसरुद्दीन शाह और रिचि मेहता, इधर देख लेंगे सबको, उधर लिखती हूँ तो जगह नहीं थी मैंने इसलिए इसको लिखवाया, वो मंगवाया कि भाई लिख के दे देना जरा, ताकि बच्चे फिर लिखना पड़ता है मुझे नहीं मिलेगा। तो आगे है नसरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन शाह के बारे में बात करते हैं, इन्होंने 2020 के साहित्य विक्रम बिरला क्या है कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित करा गया इनको, ठीक है। और आपको पता है नरेंद्र बत्रा, नरेंद्र बत्रा को जो है खेल में उनके योगदान के लिए कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित करा गया, ठीक है बिल्कुल। आगे कौन है भैया, कौन है यहाँ पर देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स इंडिया यानी कि ओरिजिनल सीरीज दिल्ली क्राइम को 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का सम्मान मिला था दिल्ली को। आपको पता होगा सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का जो सम्मान मिला था किसको मिला था, दिल्ली को मिला था, जो इन्होंने ही किया था, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं, और एस हरीश का तो आपने देख लिया है, एस हरीश ने साहित्य के लिए 2020 का जेसीबी पुरस्कार जीता है, ठीक है। और इनका एक उपन्यास था, क्या नाम था भाई इनके उपन्यास का, तो इनका उपन्यास था मस्टेस उपन्यास, ठीक है, जिनके लिए इनको ये मिला था, ठीक है। हाँ पता नहीं ऐसा करके क्यों मिलता है, ब्यूटी कह रही पता नहीं ऐसा करके क्या मिलता है, एक लाइक करने में क्या जा रहा है, अरे ब्यूटी कोई दिक्कत नहीं है, ये है कि आप लोग हैं तो हाँ एक लाइक कर दो। आगे क्वेश्चन नंबर 10, किस दिन को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भैया किस दिन को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 11 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, तो आप मुझे बताएंगे कब मनाया जाता है। हाँ भाई लास्ट दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ से देख लेंगे, वैसे मैंने बोल दिया था एक बार अभी, और पीडीएफ मैं अभी अपलोड कर दूंगी क्लास खत्म होने के तुरंत बाद ही, है ना, वहाँ से देख लेंगे। राकेश आपने कर दिया, थैंक यू भाई, क्या बात है, मतलब ये मुझे समझ नहीं आया, उस टाइम इसके आधे थे और इस टाइम मतलब उसके डबल हो गए, मम्मी पापा का फ़ोन लेके भी करवा दिया क्या। चलिए सही आंसर होगा इसका, देखिए 11 दिसंबर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सभा, हाँ बिल्कुल सभा का सही बोल रही हैं, नमन बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, बिल्कुल राकेश सही बोल रहे हैं, सभा हाँ बिल्कुल सही, ब्यूटी बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है आपका। चलिए तो देखिए सही आंसर क्या होगा, 11 दिसंबर, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है, और बाकी दिसंबर मैंने बता दिया है कि 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो विश्व कंप्यूटर साक्षर दिवस मनाया जाता है और एक राष्ट्रीय प्रदूषण निवारक दिवस मनाया जाता है, एक और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, मैंने बताया है। अच्छा 1 दिसंबर का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, 1 दिसंबर को नागालैंड की स्थापना दिवस, BSF की स्थापना दिवस और वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, 3 दिसंबर भी मैंने आपको बताया था, 3 दिसंबर क्या क्या मनाया जाता है, दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर भी मैंने आपको बताया था क्या मनाया जाता है 4 दिसंबर को, एक तो मनाया जाता है इंडियन नेवी डे और एक और है भाई क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक, जो अभी 2020 से मनाना शुरू करा है, क्लियर है। चलिए आगे चलें, ओके भाई चलिए नेक्स्ट, अब आगे हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़, जो मेरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने खत्म कर दिए हैं, अब जो आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही हैं उनको हम लेकर के चर्चा करेंगे। चलिए भैया इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम, इसरो, ठीक है, इसरो श्री हरिकोटा के सतीश धवन में अंतरिक्ष केंद्र, क्या भैया क्या नाम है यहाँ पर, SDSC, इसके दूसरे जो है इसके दूसरे लॉन्च पैड क्या नाम है, SLP से एक संचार उपग्रह क्या है, CMS-1 लॉन्च करेगा। अब ये आएगा आपके लिए प्रश्न कि भैया जो CMS-1 लॉन्च जो करेगा, पहली बात ये कौन करेगा, पहली बात तो ये कम्युनिकेशन का होगा, संचार उपग्रह है एक, ठीक है, जो हमारे संचार के लिए बढ़ावा देगा, और इसको जो लॉन्च करेगा तो इसरो करेगा श्रीहरिकोटा से, ठीक है, सतीश धवन के अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च करा जाएगा, इतना याद रखना है बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट इसमें थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं, देखिए PSLV-C50 शो क्या है भैया, PSLV का एक 52वां मिशन है, कौन सा है 52वां, इससे पहले 51 मिशन कर चुका है, 52वां मिशन है इसका, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, श्रीहरिकोटा से इन्होंने CMS-1 लॉन्च करेगा। अब ये नाम है जो लॉन्च कर रहा है, आप इमेज में देख रहे हैं ये है, यही है CMS-1, ठीक है, इसी का नाम है CMS-1 जो लॉन्च करेगा श्रीहरिकोटा से, ठीक है, और यह अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाने वाला 42वां संचार उपग्रह है। देखिए अगर मिशन की बात करेंगे तो 52वां है, अगर
संचार की बात करेंगे कि भैया ये कौन सा संचार उपग्रह है, तो ये 42वां संचार उपग्रह है। ये प्लस दोनों चीजें याद रखनी है, पहले तो ये मिशन कौन से नंबर का है और संचार उपग्रह कौन से नंबर का है, ठीक है, याद रखेंगे ना, बिल्कुल। और आपदा प्रबंधन और उपग्रह इंटरनेट कनेक्शन के लिए पूरे देश में कवरेज प्रदान करेगा, तो कैसा है, यानी कि एक नेटवर्क एरिया का काम करेगा ये, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने 15 तारीख को गुजरात के कच्छ के जो होता है ना ददोड़ा की यात्रा करेंगे और राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। मतलब बहुत सारी ऐसी वहाँ पर पहले उसको देखेंगे, मतलब कहने का इनका ये कि गुजरात में जाएंगे, गुजरात में जा करके ये क्या करेंगे, ढढोद्रो की यात्रा करेंगे। मतलब ये मैं बात करूँ, एक होती है ना जिससे पहले लोग करते थे, मतलब एक बारीक तरीके से, मतलब जैसे जाएंगे उसके बाद में खुद से जाएंगे, खुद से देखेंगे कि वहाँ के जो आम लोग हैं उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर ये जो है कुछ योजनाएं भी शुरू करेंगे, ठीक है भैया। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, आगे इन परियोजनाओं में से एक क्या होगा, डिसेलिनेशन प्लांट, ठीक है, यानी कि जो कृषि के योग्य कृषि के लिए होगा ये, और एक और होगा भाई क्या होगा, एक हाइब्रिड जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा, ठीक है, ये होगा सभी के लिए, और एक पूरी तरह से स्वचालित दूध प्रसंस्करण पैकेज संयंत्र होगा, तो ये भी शामिल होगा, ये योजनाएं शामिल होंगे वहाँ पर और ये दी जाएंगी उन एरियाज में जहाँ पर इनकी ज़रूरत है, ठीक है। आगे बात करते हैं, गुजरात के कच्छ जिले में विकाहकोट गाँव के पास क्या है, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क देश का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रदान पार्क करेगा, और कितने भैया 30 गीगावाट की ऊर्जा ये देगा, ठीक है। हाँ, आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, यस बिल्कुल, क्वेश्चंस वो कल के इम्पोर्टेंट न्यूज़ के थे और आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है, और इस न्यूज़ के इम्पोर्टेंट न्यूज़ के कल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रोज डेली वही होता है। नेक्स्ट आगे है, मांडवी कच्छ में आगामी जो डिसेलिनेशन प्लांट, इसके साथ समुद्री जल के पीने के पानी में बदलने की दिशा में भी ये जो है गुजरात का एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा, वहाँ पर पेय पानी यानी कि पेयजल उपलब्ध जो कराया जाएगा इस प्लांट के तहत कराया जाएगा, जो डिसेलिनेशन प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है, जो वाटर को प्यूरीफाई करने का काम करेगा। नेक्स्ट आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ के सरहद डेयरी जो अंजार में एक पूरी तरह से स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकिंग प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, यूनेस्को ने बंगबंधु, क्या नाम है भाई, बंगबंधु यानी कि शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय भी लिया है। अब देखिए इम्पोर्टेंट है यूनेस्को, सबसे पहले यूनेस्को ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का, तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स में अब क्या होगा, अभी तक जो पुरस्कार दिए जाते थे है ना वो और नाम पर दिया, लेकिन एक पुरस्कार इनके नाम पर शुरू होगा, किनके, मुजीबुर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था में इन पर पुरस्कार दिया जाएगा इनके नाम पर, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलें, ओके देखिए, यह नवंबर 2021 से शुरू हो रहा है और युवाओं की वैश्विक आर्थिक पहल के 2 साल में एक बार $50,000 पर पुरस्कार दिया जाएगा। अब देखिए पहली बात, इसको जो इस पर जो डिस्कस किया गया 2020 में किया गया, अब इसको जो शुरू किया जाएगा 2021 में शुरू किया जाएगा और $50,000 का जो पुरस्कार दिया जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें, यूनेस्को ने 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नीदरलैंड के रेडबुल, कौन है, नीदरलैंड के रेडबुल ड्राइवर यानी कि मैक्स वेरस्टैपेन ने 2020 में अबू धाबी में ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। प्रश्न आपसे आएगा कि भैया 2020 का अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है, तो भैया किन्होंने जीता है, ये कौन है, रेडबुल के ड्राइवर है, क्या नाम है, मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है और ये नीदरलैंड के हैं, ध्यान में रखना। अच्छा भाई मेरा वाला जो फेवरेट है वो कौन है, सबसे ज्यादा पुरस्कार अपने नाम करने वाला बंदा एकमात्र व्यक्ति है, लुइस हैमिल्टन, अब बताते ही नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, अब देखिए बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मल हुए यहाँ पर जो यहाँ पर जीते हैं 2020 के, चलिए देख लेते हैं।
तो पहले है भैया ऑस्ट्रियन जो ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है, तो किसने ये जीता है? वॉल्टेरी बोटास ने, ठीक है। और आपको पता है कि भैया ये जो है इसने ये और ये कहाँ से है, ठीक है। और इसके बाद में मैं बात करूँ यहाँ पर जो रशियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब है ये भी किसने जीता है? ये भी वॉल्टेरी बोटास ने जीता है, ठीक है। अच्छा भाई आगे मैं बात करूँ सेवंथ एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है, तो ये मैक्स ने जीता है, ठीक है। आगे एक और है भाई, क्या है? इंटेलिन ग्रैंड प्रिक्स खिताब, तो ये किसने जीता है? ये किसने जीता है? ये जीता है पायरेर ने, ठीक है। और एक और है यहाँ पर, क्या है भैया? साके ग्रैंड प्रिक्स खिताब, तो ये किसने जीता है? ये जीता है सरगोई ने। और बाकी किसने जीते हैं? बाकी सारे अपने नाम करे हैं लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला आगे है 2022 अंडर 19 पुरुष विश्व कप वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आएगा आप लोगों के लिए, विश्व कप में वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा, प्रश्न आएगा 2022 का अंडर 19 पुरुष विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा। बस इतना सा याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है कभी भी। अब 2023 का जो ICC मैन है, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये किसको मिला है? कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा इंडिया में। कहाँ किया जाएगा? इसको होस्ट कहाँ कौन करेगा? इंडिया करेगा। अच्छा भाई आगे 2022 का ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, अभी वर्ल्ड कप की बात हो रही है, मैन वर्ल्ड कप, ICC वर्ल्ड कप है, मैन वर्ल्ड कप ये इंडिया को होस्ट करेगा, और ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का, ये 2023 में होगा, ये 2022 में होगा, कौन होस्ट करेगा? इसको करेगा कौन करेगा भाई? यहाँ पर न्यूजीलैंड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आगे है 2021 का ICC मैन, क्या है? 20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, इसको इंडिया होस्ट करेगा, कौन करेगा? इंडिया को होस्ट करेगा। आगे है 2022 का ICC मैन T20 वर्ल्ड कप, अब इसको कौन, ये कौन था भैया? मैन का था, ये भी मैन का है, लेकिन ये 2021 का था, ये 2022 का है, इसको कौन होस्ट करेगा भैया? ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा, ठीक है। आगे 2023 का ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप, 2023 का, इसको साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। और आगे है 2021 का ICC वुमेन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे की सारी सीरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको कौन करेगा? बांग्लादेश होस्ट करेगा। अब आप मुझे बताएंगे चीज़ें समझ में आई, क्लियर हैं? हाँ, अपना भारत करेगा, यस। चलिए भाई आगे चलते हैं, इसके ये बांग्लादेश है, इसके लिए बांग्लादेश करेगा, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, BCCI अपने घरेलू सत्र की शुरुआत सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के साथ 10 से करेगी, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अभिनेता सोनू सूद ने खुद कमाओ घर बचाओ एक नई पहल की घोषणा की है, जिसके तहत वह उन वंचितों ई रिक्शा प्रदान करेंगे जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपनी जीविका का स्रोत खो दिया है। अब देखिए होगा क्या, एक योजना है खुद कमाओ घर बचाओ, खुद कमाओ घर बचाओ ये योजना, या मैं बात करूँ एक पहल है ना, और ये योजना तो नहीं रहेंगे, पहल है जिसको सोनू सूद के द्वारा शुरू किया गया है। अब सोनू सूद ने क्या काम करा, इसमें ई रिक्शा प्रदान किया जाएगा उन लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, जो पूरे तरीके से कोरोना वायरस में बहुत मतलब बुरी हालत हो चुकी है जिनकी, उनको। और इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको कल बताया था सोनू सूद के बारे में, जो ये जो सुपर स्टार हैं, ठीक है, इनकी एक रैंक आई है, ठीक है, इनकी एक लिस्ट आई है, उस लिस्ट में सबसे नंबर वन पर जो रहे हैं कौन रहे हैं? सोनू सूद रहे हैं, ठीक है, कौन रहे हैं? सोनू सूद रहे हैं, कल मैंने आपको बताया ही था। आज आगे है, RBI ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति भंडारण और प्रेषण के लिए जयपुर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र जो है ले जाओ, चलिए प्रसंस्करण केंद्र यानी कि APPC की स्थापित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट आगे देखते हैं जल्दी से, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कौन है भैया, कौन है? यहाँ पर इनका नाम है विदा बाचलिस्ती, यहाँ पर वंजन, इन्होंने जो है यानी कि गोपिंदाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है, और ये 85 वर्ष के थे। चलिए भाई आगे है, अगली न्यूज है, यहाँ पर इतालवी विश्व कप के हीरो फुटबॉलर यानी कि क्या नाम है, पाउल रोसी का हाल ही में निधन हो गया है, ये 64 वर्ष के थे, ये भी ध्यान में रखना है। और एक और है भाई, ADB ने विकासशील देशों के लिए यहाँ पर 9 डॉलर
BNACI में यानी कि पैसिफिक वैक्सीन, यहाँ पर एक्सेस फैलिसिटी, क्या नाम है भैया इसका, क्या नाम है, अपेवैक्स पहल शुरू की है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट खास न्यूज़ रही हैं, बाकी PDF में बिल्कुल अभी अपलोड कर दूंगी, आप पढ़ लेंगे। और इसके बाद होगा प्रैक्टिस सेशन आपका जनरल स्टडीज़ का, तो आना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें हम कल देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, ओके बाय बाय, हैप्पी रहिए, जितनी भी क्वेरीज हैं आप हमें देते रहिए, बिल्कुल हमेशा हम आपके साथ तैयार हैं, ठीक है भाई। कोई भी कुछ भी पूछना है बिल्कुल मैसेज करिए, हमेशा करिए, ठीक है, चलिए।